दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आईसीयू के बारे में। आईसीयू क्या होता है और आईसीयू के अंदर किस किस टाइप के मरीजों को रखा जाता है और इसके अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। दोस्तों आईसीयू को हम इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं और आईसीयू के अंदर उन मरीजों को रखा जाता है जिन मरीजों को 24 आवर्स देखभाल की ज़रूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। जो मरीज खुद से सांस नहीं ले सकते या उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है या उनका एस्पिरेटरी लेवल डाउन रहता है तो इस तरह के मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में पेशेंट के लिए सभी तरह की मेडिसिन उपलब्ध होती है जो पेशेंट के लिए आईसीयू में ज़रूरत होती है। इसमें मरीज के लिए वेंटिलेटर, हार्ट मॉनिटर, फीडिंग ट्यूब्स, कैथेटर्स, ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, CPR मशीन, लैंजोस्कोप और भी काफ़ी ज़रूरी इक्विपमेंट्स होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से यूज़ में लाए जाते हैं। आईसीयू में बहुत ही कम लोगों को अपने पेशेंट से मिलने की अनुमति होती है। इसमें आप डॉक्टर्स और स्टाफ की परमिशन के बिना अपने पेशेंट से नहीं मिल सकते क्योंकि आईसीयू के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों आईसीयू में पेशेंट का आईसीयू स्टाफ के द्वारा 24 आवर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इसमें पेशेंट को कई तरह की वायर्स उपकरण से जोड़ा जाता है जैसे ECG, SpO2, टेम्परेचर प्रोब, BP मशीन। ये सभी मशीनें 24 आवर्स मशीन से जुड़ी रहती है ताकि हर समय पेशेंट का हाल आईसीयू स्टाफ को पता चलता रहे। जैसे मरीज की हार्ट रेट कितनी चल रही है, ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है, पेशेंट के एस्पिरेटरी लेवल क्या है, इन सभी बारे में पता चलता रहे। और इस दौरान आईसीयू स्टाफ मरीज को अपने आप से खाना खिलाते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान भी आईसीयू स्टाफ प्रॉपर रखते हैं। दोस्तों आईसीयू के अंदर आफ्टर सर्जरी उन मरीजों को भी रखा जाता है जिनकी कोई बड़ी सर्जरी हुई होती है, जिनको अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है और मरीज का अच्छे से ध्यान रखा जा सके। मरीज की टाइम टू टाइम ड्रेसिंग की जाए, टाइम पर मेडिसिन दी जाए और सभी तरह का ट्रीटमेंट टाइम पर किया जाए। दोस्तों जो हेमरेज के पेशेंट होते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं और जिन मरीजों की कोई नीरो की सर्जरी हुई होती है उन सभी मरीजों को पहले आईसीयू में ही रखा जाता है। पेशेंट के रिकवर होने के बाद उसको दोबारा वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स में आईसीयू के आसपास ही ECG मशीन, ABG, सोनोग्राफी, पोर्टेबल एक्सरे और इमरजेंसी मेडिसिन होती है ताकि इमरजेंसी पड़ने पर मरीज को ये सभी सेवाएँ दी जा सके। दोस्तों जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं उन हॉस्पिटल्स में नीरो, सर्जिकल व मेडिकल आईसीयू अलग अलग होते हैं और इन आईसीयू में मशीन्स भी अलग अलग होती हैं जो मरीज और उसकी सर्जरी के हिसाब से आईसीयू में रखी जाती हैं। आईसीयू एक ऐसा वार्ड होता है जिसमें गंभीर रोगों से पीड़ित, ऑपरेशन व ट्रॉमा के मरीजों का इलाज किया जाता है।